हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर मैं दो लाइनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो वो दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटेंगी या एक दूसरे को इंसिडेंट का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर होंगी या एक दूसरे के पैरेलल होंगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लीनियर इक्वेशन पता होना चाहिए क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है आइए देखते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जो इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में हो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। अब मुझे क्या पता चलेगा इसमें वेरिएबल क्या है। हाँ जी, इसमें वेरिएबल है एक्स। क्यों? क्योंकि मुझे जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि वेरिएबल होता है जिस चीज़ की वैल्यू वेरी करती रहे, चेंज होती रहे। और दो चीज़ें होती है, एक तो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिस नाम से ये कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, सिर्फ एक ही होती है एग्जैक्ट वैल्यू कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे ए और बी, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये लिखूं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कांस्टेंट क्या चीज़ है, कांस्टेंट का जो फिक्स वैल्यू है, दो यहाँ पे फिक्स वैल्यू है, पाँच यहाँ पे फिक्स वैल्यू है, और यहाँ पे x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो जिस चीज़ की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, यानी कि जिस चीज़ की वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। ये तो था वेरिएबल। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन, जो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये एक थी वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ टू वेरिएबल की। कोई लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में वो किस फॉर्म में होगी, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे ये इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं 2x प्लस 3y, आपने ये देखी होंगी इस टाइप की इक्वेशन, या इसको 5 को उधर ले जाओ माइनस 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। इसमें दो वेरिएबल क्या है, x और y, ये दोनों वेरिएबल हैं। इसकी जनरल फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है इसकी जनरल फॉर्म। ठीक है, ये तो थी लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पे एक शब्द है पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन लेनी है मुझे, दो लीनियर इक्वेशन। अब वो दो लीनियर इक्वेशन कैसे लेंगे, आइए देखते हैं। हाँ जी, एक लीनियर इक्वेशन ले ली मैंने a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू जीरो, और मान लीजिए दूसरी क्वेश्चन है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है, हाँ जी ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ये भी दो वेरिएबल है, इसमें x और इसमें y, इसमें भी दो वेरिएबल है। ठीक है, और ये पेयर है, दो हैं, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल, दोनों में वेरिएबल सेम है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे एक्स है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, दो लीनियर इक्वेशन हो और दो वेरिएबल में हो और दोनों के जो वेरिएबल क्या हो सेम हो। ठीक है, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, अब जब किसी लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की जाती है, मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 3y, कोई भी मान लीजिए प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, ये मान लीजिए मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, इसकी मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करूँगा। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, आपको ये पता है x एक्सिस और y एक्सिस होता है प्लेन होता है, ये क्या है 2D प्लेन है, टू डायमेंशनल प्लेन है। ये x एक्सिस होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ये y एक्सिस और ये भी y एक्सिस होता है। ठीक है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। जब मैं इस लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करूँगा इसकी, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, वो कहीं भी आ सकती है। मान लीजिए ऐसे आ गई, या कैसे भी आ सकती थी, ऐसे आ सकती थी। एक लाइन है तो एक ही लाइन बनेगी, यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मुझे प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी लाइन है, दो लाइनें हैं। जब दो लाइनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँगा, मान लीजिए ये कोई प्लेन है, दो लाइनों को मान लीजिए इस लाइन को रिप्रेजेंट किया तो ऐसे आ गया, और जब इस लाइन को रिप्रेजेंट किया कहीं भी आ सकता है, अभी मान लीजिए ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये दो लाइनें आपस में क्या काट रही हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताना है भी जब दो लाइनों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँगा वो दोनों को इंटरसेक्ट करेगी, या ऐसे भी हो सकता दो लाइनें आपस में काट भी सकती थी, या ऐसा भी तो हो सकता था। पहली कंडीशन तो ये हो सकता है भी जब दोनों लाइनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँगा दो लाइन आपस में काट भी सकती है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरे को काट रही हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए पहली लाइन ड्रा की मैंने, वो ऐसे आ गई, और दूसरी लाइन ड्रा की वो ऐसे आ गई, उसका ग्राफ ऐसे बना, ये दो लाइन के आपस में, इसको बोलते हैं पैरेलल।
पैरलर, ये कहीं भी नहीं काटेंगे, आप कहीं तक ले जाओ इसको ऐसे, ये कहीं भी नहीं काटेंगे, किसी भी पॉइंट पे नहीं काटेंगे। तो ये होती ये कंडीशन पैरलर, ठीक है, इंटरसेक्ट ये कंडीशन और पैरलर ये कंडीशन। रहेगी थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई प्लेन है और दो लाइनें हैं, ये प्लेन है मेरे पास और दो लाइनें हैं, इस लाइन को रिप्रेजेंट किया मैंने ग्राफ पे तो वो ये आया, और दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट किया वो भी लाइन सेम इसके ऊपर आई। ऐसा हो सकता है पहली लाइन भी ये थी और दूसरी लाइन की वो इसी के ऊपर आई सेम बिल्कुल। इस कंडीशन में, इस कंडीशन को बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, यानी कि इस लाइन में हर एक पॉइंट, ये हर एक पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक पॉइंट पे मिल रही है, एक दूसरे को काट रही थी, सिर्फ एक पॉइंट पे मिल रही है यहाँ पे। इसमें ये कहीं भी नहीं मिलेगी, इसमें ये हर पॉइंट पे मिलेगी, क्योंकि क्या इसमें दोबारा देख लो, ये एक लाइन है, जो दूसरी लाइन ड्रा करूँगा वो सेम यही पॉइंट आ गया उसके, सेम इसी के ऊपर चढ़ रही है वो लाइन, यानी कि ये लाइन है जो इस लाइन को हर एक पॉइंट पे काट रही है, ये सिर्फ एक पॉइंट पे काट रही थी, ये किसी पॉइंट पे नहीं काटेगी, ये हर एक पॉइंट पे काटेगी, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए आपके पास, दो लीनियर इक्वेशन आ जाए आपके पास, ठीक है, और आपको वो पूछ ले भी ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सोल्व करना पड़ेगा, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसको बिना सोल्व करे, बिना ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए भी बता सकते हैं वो लाइनें इंटरसेक्ट हैं, कोइंसिडेंट हैं या पैरेलल हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं सिलेक्टेड, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ गया जैसे, चेक वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये मुझे दो लीनियर इक्वेशन दे रही हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस फॉर्म में होती है, a1x + b1y + c1 = 0, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, ऐसी सेकंड लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ये मुझे बतानी है, ये जो लीनियर इक्वेशन है, जब मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूँगा, जब मैंने उसको बताया था ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन आती है, ये दो है तो दो स्ट्रेट लाइन आएंगी, वो जो दो लाइनें आएंगी वो मुझे बतानी है, वो इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, मैंने आपको बताया था अभी, वो दोनों पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर एक होगी। आइए कैसे करेंगे, अब इस लाइन को मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने से तो रहा, क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो मैं कैसे चेक करूँगा भी इन तीनों में से किस टाइप की लाइनें होंगी वो, तो उसको चेक करने के लिए तीन कंडीशंस होती हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे हाँ जी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये a1x + b1y + c1 = 0, ये a1 है, ये b1 है, c1 है, a2 b2 c2 ऐसे, ठीक है। अगर तो मेरा a1 by a2 इसकी रेशियो ले लो नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें जैसे वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, यानी कि एक दूसरे को वो काटेंगे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक दूसरे को वो काटेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये रही, और ये क्या लिख रखा है मैंने, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसके बारे में आपको बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, अगर सेकंड कंडीशन क्या, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 आ जाए, तो इसका मतलब क्या, वे दोनों लाइन क्या कोइंसिडेंट है, यानी कि एक के ऊपर ये एक लाइन है, उसके ऊपर ही दूसरी लाइन है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 आ जाए, तो इसका मतलब क्या, वे दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। आइए चेक करते हैं, अब इसमें मुझे चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले मैं a1 b1 और c1 देखूंगा, a2 b2 c2 देखूंगा, इसको 1 मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं इक्वेशन। तो यहां से देखेंगे तो a1 लिख लो आप, a1 के आपके पास 5 है, ऐसे ही b1 के आपके पास 4 है और c1 के आपके पास 8 है, ठीक है। a2 लिख लो आप 7 और b2 लिख लो आप 6 और c2 लिख लो आप -9, ठीक है। आप रेशो निकाल के देखें, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, a1 by a2 क्या आ जाएगा, 5/7, ठीक है, निकाल के देखें, उसके बाद डालेंगे साइन यहाँ के इस तरह का आएगा। उसके बाद b1 by b2 4/6, उसके बाद c1 by c2, ठीक है, हाँ जी देखते हैं निकाल के, तो ये क्या है, ये आ गया 2/3, तो मेरे पास क्या आया, 5/7 और 2/3, हाँ जी। अगर आप चेक करें यहाँ पे, यहाँ तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, a1 by a2 नॉट इक्वल टू, ये दोनों बराबर तो नहीं है, नॉट इक्वल टू है, थर्ड तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो ये कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भी, वो दो लाइनें, जब इन दो लाइनों को मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूँगा, वो दोनों लाइनें आपस में क्या है, इंटरसेक्ट है, यानी कि एक दूसरे को वो काटेंगी, ठीक है। ये तो रही इसकी लाइन का पता चल गया भी, इंटरसेक्ट लाइन है। अब ये क्या चीज़ है, ये देखें, जब
मैं इन दोनों को लाइनों को सोल्व करूंगा, इन दोनों लाइनों को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू आ गई। आपने इन दोनों, आपको इन दो लाइनों को सोल्व करना आता होगा। जब इन दो लाइनों को आप सोल्व करेंगे, हाँ जी, तो एक्स की और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, एक्स की और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आएगी, अब जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे काट रही हैं, सिंगल पॉइंट पे काट रही हैं, अगर लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे काटते हैं तो उसका क्या कहता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आता है, सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा। इसका मतलब क्या है, एक्स की एक वैल्यू आएगी और वाई की भी क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या, इसका क्या आएगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं, हाँ जी ये दो लाइनें थी, ये दो लाइनें थी, ये पैरलर हैं, कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्ट है, तो आप ये कंडीशन देखी है आपने, हाँ जी यहाँ पे ये दोनों लाइनें क्या इंटरसेक्ट है, ये तो पता चल गया। अगर मैं आपसे पूछूं इसका, इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, तो आप बोलेंगे ये दोनों लाइनें आपस में काट रही हैं, काट रही हैं, मुझे यहाँ से पता चला, तो इसका क्या एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई की सिंगल सिंगल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। आइए अब सेकेंड कंडीशन टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है मेरे पास, मुझे ये बताना है सेम, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हैं, क्या एक दूसरे को काटेंगे, पैरेलल हैं, क्या कोइंसिडेंट हैं, तो कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है ये, हाँ जी फर्स्ट इक्वेशन तो इस फॉर्म में है, लेकिन सेकंड इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, तो इसको इस फॉर्म में बनाओ। ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन चेक करते हैं, ए वन लिखो नो बटे ए टू, पी वन बाय बी टू और सी वन बाय सी टू, इसको सोल्व करो, एक दो एक दो, ये 24 है, एक एक दो, सॉरी, तो यहाँ से क्या आ गया, वन बाय टू इज इक्वल टू वन बाय टू इज इक्वल टू वन बाय टू। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, सेकंड, ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू, यानी कि तीनों रेशो बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये जो दो लाइन है, जब इनको मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूँगा, ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा इस ग्राफ पे, मान लीजिए फर्स्ट लाइन ये रही, तो सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी एज इट इज, ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें के आपस में अगर ऑप्शन में आपके पास कोइंसिडेंट होगा, तो इसका ये लाइन होगी कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ये एक पॉइंट पे काट रही थी, तो क्या यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये आपस में मान लीजिए फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन इसके ऊपर है, ये हर एक पॉइंट पे काट रही है एक दूसरे को, हर एक पॉइंट पे काट रही हैं, तो इसके बहुत सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इनफाइनाइटली का मतलब होता है बहुत, मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या, क्यों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे को हर पॉइंट पे काट रही हैं, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे काट रही थी, इसलिए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन था, ये यूनिक भी बोल देते हैं। यहाँ पे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे काट रही है, इसलिए इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, ठीक। आई होप आपको समझा होगा। आइए थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा ए वन बी वन सी वन। ए वन क्या है, ये बी वन क्या है, माइनस के तीन, ऐसे ही सी वन क्या है, टेन। सेम ए टू क्या है मेरे पास, टू, और बी टू क्या है मेरे पास, माइनस वन, और सी टू क्या है मेरे पास, नाइन, ठीक है। उसके बाद इनकी रेशो निकाल लो, ए वन बाई ए टू छः बटे दो, माइनस के तीन बटे में माइनस एक, माइनस तीन बटे माइनस एक, और दस बटे नौ, दो तीन छः, ये कट गया तीन, और ये दस बटे नौ, तो एडिट, तो यहाँ पे क्या आ गया, तीन बटे एक इज इक्वल टू तीन बटे एक, ये तो बराबर नहीं है, दस बटे नौ। तो यहाँ से कौन सी कंडीशन है तीनों में से, अगर आप देखें तो थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन है, इसका मतलब क्या है, जब मैं इन दोनों लाइनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूँगा, मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, तो ये दो लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल, पैरेलल मैंने आपको बताया था, ऐसे किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, आप जितनी भी लंबी इसको ड्रॉ कर लो, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। सोल्यूशन तब भी प्राप्त होता है जब दो लाइनें आपस में कहीं ना कहीं मिलें, जैसे ये एक पॉइंट पे मिलती तो एक सोल्यूशन आया था, ये हर पॉइंट पे मिल रही है तो इसके बहुत सोल्यूशन आए थे, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। ये एक भी पॉइंट पे नहीं मिली, इसका मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। तो इस तरह से आपसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं एक दो, आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे, एक ये और एक ये, ठीक है, और वह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, इसको सोल्व करने के बाद इसके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे या इसका नो सॉल्यूशन आएगा, तो कैसे चेक करेंगे, यही तीन कंडीशन से चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं। तो ए वन क्या आ जाएगा मेरे पास, दो आ जाएगा, बी वन क्या आ जाएगा, माइनस तीन आ जाएगा, और सी वन क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, ए टू क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, बी टू क्या आ जाएगा, माइनस के छः आ जाएगा, और सी टू क्या आ जाएगा, नाइन आ जाएगा। हाँ जी, फार्मूले में इनकी रेशो निकाल लो, दो बटे चार
और माइनस के 3 बटे माइनस के 6 और 8 बटे 9, 1 बटे 2 सेम 1 बटे 2, तो क्या आ गया 1 बटे 2 इज इक्वल टू 1 बटे 2 नॉट इक्वल टू 8 बटे 9। तो यहाँ पे तीनों में कौन सी कंडीशन है, तीनों में थर्ड कंडीशन है। अब थर्ड कंडीशन है और मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है इसका वन सॉल्यूशन है या इनफाइनेटली मैन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो थर्ड कंडीशन है तो क्या आ गया, नो सॉल्यूशन आ गया। आपसे दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। अगर तो मैं आपसे पूछूं, यही क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछ लूं ये जो दो लाइनें हैं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी, तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई है तो क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर आपसे इंटरसेक्ट, पैरेलल, कोइंसिडेंट पूछ ले तो हाँ जी इस कंडीशन में से पैरेलल रहिए, ठीक है। अगर मैं पूछूँ इसके कितने सोल्यूशन है तो इसके नो सोल्यूशन है, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, अगर आप समझ के करेंगे, जैसे आप ये करेंगे दो, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, दो लाइनें पैरेलल होती हैं वो किसी भी पॉइंट पर नहीं कटेंगी, किसी भी पॉइंट पर नहीं कटेंगी, तो इसका मतलब इसको कोई भी सोल्यूशन नहीं है, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपके ये कंसेप्ट याद है तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, पैरेलल है तो किसी भी पॉइंट पे नहीं कटेंगी, नो सॉल्यूशन। उसके बाद कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ये हर एक पॉइंट पे कटेगी और हर एक पॉइंट पे कटेगी तो इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन तब भी प्राप्त होता है जब दो लाइनें उसमें किसी पॉइंट पे काटते हैं। अब ये तो हर पॉइंट पे काट रही है तो इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ये इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को काट रही है तो एक ही पॉइंट पे काटेंगी, एक ही पॉइंट पे काटेंगे तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं मुझे, एक ये और एक ये, ठीक है, और मैं इससे क्वेश्चन पूछ ले फाइंड के, मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ टू लीनियर इक्वेशन, ये दो लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उसने क्या दे दिया, उसने दे दिया इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अब मुझे पता है इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, अगर मुझे पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में कौन सी कंडीशन होती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में तो ये कंडीशन होती है, हाँ जी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कंपेयर कीजिए, ए वन क्या है 2, बी वन क्या है के, सी वन क्या है 5, ए टू क्या है 4, बी टू क्या है 6, सी टू क्या है 10। फार्मूले वैल्यू पुट करें, ए वन बाई ए टू 2/4 इज इक्वल टू के बाय 6 इज इक्वल टू 5/10, ठीक है। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू, कि नहीं 2 को बराबर कर लो, मान लो इन पहले 2 को बराबर कर लें, ठीक है, हाँ जी। यहाँ से बराबर करें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, तो 6×12K इज इक्वल टू क्या आ गया, 6×12 इज इक्वल टू 4K, हाँ जी। तो के ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसने क्या दिया था, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो मैंने वैल्यू पुट की तो सिंपल क्या आ गया, के की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक। तो इस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, थैंक यू वेरी मच।